हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मेडिडीज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी फैन थ्योरी के बारे में, ऐसे फैक्ट के बारे में जो कि आपको जानने के बाद हैरान होने वाले हो। और मैं बात करूंगा इस फैन थ्योरी के दो कैरेक्टरों के बारे में, ब्लैक पैंथर कैप्टन अमेरिका, और जो फैन थ्योरी जिस टॉपिक पे है वो है पावर। तो मैं इन दोनों की पावर को सेम बता रहा हूँ इस फैन थ्योरी के माध्यम से। ऐसा क्यों, ये भी एक्सप्लेन करूंगा। आपको एक सीन याद होगा एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का, सिविल वॉर का, जिसमें कि ये दोनों इक्वल समान और एक ही स्पीड में भागते हैं। तो इनकी पावर का सबसे बड़ा सबूत ये मिलता है कि ये दोनों एक ही चीज से बने हैं। अब सबसे पहले ब्लैक पैंथर से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक पैंथर की स्टार्टिंग कैसे हुई एक्चुअल में, तो ब्लैक पैंथर की अगर आपने मूवी देखी है तो हमें बताया गया कि पूरा वाइब्रेनियम का बड़ा सा धातु का पहाड़ जैसा पत्थर अर्थ पर गिरा, जो कि वाकांडा में गिरा था। और जैसे ही वो गिरा तो उसके चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे थे वो एनर्जी से बन गए, और देन वो फूल खाते ही वाकांडा वासी या उनका राजा ब्लैक पैंथर बन जाता। और देन ऐसे ही वो ईयर बाय ईयर यानी कि पूर्वज उनके दादा परदादा बनकर ब्लैक पैंथर बने। तो ये थी ब्लैक पैंथर की छोटी सी ओरिजिन स्टोरी। इससे ये पता चलता है कि ब्लैक पैंथर कैसे बना। उसी के बाद उसी टाइम दौरान में हावर्ड स्टार और डॉक्टर एक साथ घूमने निकले अर्थ पर, और उन्हें छोटा सा एक पत्थर मिला जो कि उन्होंने बनाई उससे शील्ड, और डॉक्टर को मिला छोटा सा फूल जिससे बनाया उन्होंने एक सीरम जिसे कहते हैं हम सुपर सोल्जर सीरम। तो ये काफी ज्यादा हाईटेक था, और देन ये परीक्षण करने के लिए वो एक कोई बंदा देख रहे थे। तो वो बंदा सेलेक्ट कौन हुआ, आपने अगर कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर देखी है, वो सेलेक्ट हुआ स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स में कुछ ऐसी कमियां थी उनकी बॉडी में, वो बीमार थे इसलिए उन पर टेस्ट करना काफी जरूरी था। और ये वही सीरम है जो कि ब्लैक पैंथर के पूर्वज उस फूल के तौर पर खाती हैं उनके राजा बनने पर। फाइनली ये सीरम के लिए स्टीव रॉजर को जब सेलेक्ट करा गया तो हावर्ड स्टार्क ने मशीन स्टार्ट कर वो सारे सीरम उनके इंजेक्शन के द्वारा बॉडी में समा दिए गए। और फाइनली हमें ब्लैक पैंथर उस जमाने में तो था ही, और देन इस जमाने में यानी कि कैप्टन अमेरिका के टाइम में हमें एक सुपर सोल्जर देखने को मिला। ये परीक्षण बिल्कुल सही निकला क्योंकि वो सीरम एक्चुअल में थोड़ा फेर बदल करके बनाया गया था, बट काम कर गया। तो गाइस ये था वो फैन थ्योरी। और मैं आपको बता दूं, अगर फिर भी अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो मेरा तो फेवरेट हमेशा कैप्टन अमेरिका रहेगा। और आपका इन दोनों में से कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और रही अगर इनमें दोनों में कभी लड़ाई हुई तो एमसीयू में तो आज तक ऐसा कभी दिखाया नहीं है, क्योंकि ये हैं दोनों दोस्त आपस में। तो आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं बोनस न्यूज के बारे में। तो फाइनली जैजी बीट्स का नया लुक देखने को मिला जोकर में, जो कि आप रिसेंट में देख रहे हो, और ये मैंने सारे अपडेट फेसबुक पे भी दिए हैं। उसके बाद जॉन वीक के अगर आप फैन हो तो जॉन वीक का कमाल का लुक आया है, एम्पायर मैगजीन ने लॉन्च करा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। उसके बाद न्यू म्यूटेंट फाइनली रीशूट हो रहे हैं और इस मूवी को आर रेटेड बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि कुछ कमियां हैं इस मूवी में अभी भी। एक्वामैन के फाइनली बिहाइंड द सीन फोटो लॉन्च हुए हैं जो कि काफी कमाल के और देखने लायक है। और देन इन बिहाइंड द सीन फोटोज में लग रहा है, और इस मूवी का जो ट्रेलर देख के लग रहा है कि शायद जो वेनम के साथ हुआ वो इसके साथ ना हो और ये मूवी हिट जाए, क्योंकि मुझे वंडर वुमन के बाद सिर्फ एक्वामैन पे ही भरोसा है। तो गाइस आपका क्या कहना है मुझे बताना एक्वामैन से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।